हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश पुलिस सतर्क है, क्योंकि बिलासपुर एक सीमावर्ती जिला है। इस जिले की 38 किलोमीटर सीमा पंजाब राज्य के साथ सटी है, जहां पर 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में दो पुलिस थाने स्वारघाट और थानाकोट पड़ता है, दूसरी तरफ पंजाब राज्य के आनंदपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो इस तरफ से श्री नैना देवी चुनाव क्षेत्र पड़ता है। चुनावों में हमेशा वोटर संवेदनशील रहते हैं, इसलिए पुलिस सीमाओं पर पूरी नजर रखेगी। वे आज बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि उन्होंने बिलासपुर पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सीमा पर पूरी नजर रखी जाए। वह यहां पर एक डीएसपी और एएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी चुनाव होने तक तैनात रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं आभारी हूं। उन्होंने 15 लाख हमको ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विद ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग ANPR सिस्टम के लिए पैसे दिए, जो 1 फरवरी से चालू हो गया। मैं बिलासपुर पुलिस और बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, क्योंकि एक मॉडर्न स्टेप है, ये आगे की तरफ ये स्टेप ले जाता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये बहुत कारगर साबित होगा। साथ ही साथ मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जो बड़े पॉइंट्स हैं, जैसे बरमाना है, वहाँ भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे, CCTV कैमराज का सिस्टम लगे, कुमारवी में भी लगे, नैना देवी जो हमारा एक शक्तिपीठ है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आती है मेले के दौरान, वहाँ भी CCTV कैमराज लगे और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विद ANPR लगे। अगर ये लग जाएगा कि आगे आने वाले समय में जो व्यवस्था भी सुचारू होगी और लोगों को भी काफ़ी कन्वीनियंस होगी। साथ ही साथ मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया डीसी साहब को, हाल में हमारे पास एक ड्रोन कैमरा है जिले में, अगर एक या दो और मिल जाए तो हम इलीगल माइनिंग पे भी नकेल कर सकते हैं और जो नैना देवी में मेले होते हैं उसके दौरान हम सुचारू काम भी कर सकते हैं। मैं पुनः डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं साल 2022 में CCTV कैमरे लगने का सिलसिला और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगने का सिलसिला बिलासपुर रूप में, बिलासपुर जिले में ये पूरा हो जाएगा, जिससे व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। जो सलापड़ में 19 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 11 जुडिशियल कस्टडी में चले गए, 8 हमारे पास पुलिस कस्टडी में है और मैं SIT जो मधुसूदन जी के अंडर थी उसको बहुत बधाई कर देता हूँ। बगैर थके बगैर रुके उन्होंने ये काम किया और इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था उसको उन्होंने अनर्थ किया, पर्दाफाश किया। इन्वेस्टिगेशन आगे भी चालू है, लेकिन मैं मतलब जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, वो बेखौफ होकर अपना ट्रेड करें। हम तो खाली क्राइम का एस्पेक्ट को देख रहे हैं और जो क्राइम से रिलेटेड है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम अब रैपिंग अप स्टेज में है, क्योंकि हमारा जो क्राइम वाला जो था वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया काम और हम तुरंत रैप अप करके उसको कोर्ट में हम चार्जशीट देंगे। कहते हैं कि बिलासपुर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसका करीब 38 किलोमीटर बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है। हमारे दो पुलिस स्टेशन स्वारघाट और नैना देवी लगते हैं और दो पुलिस पोस्ट यहाँ पंजाब के साथ लगते हैं। पंजाब के भी 3 थाने नंगल, आनंदपुर साहब और कीरतपुर साहब हमारे साथ लगते हैं। पंजाब की तरफ श्री आनंदपुर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 49 पड़ती है, हमारी तरफ श्री नैना देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 49 पड़ती है। हमारे 26 गांव हैं बॉर्डर की इस तरफ, उनके 26 गांव उस तरफ हैं, तो इलेक्शन के टाइम में बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव हो जाता है और हमने एक्शन लेके 9 जगह नाका पॉइंट्स लगाए हैं और मैंने ये आदेश दिए हैं कि हर रोज एक DYSP या एडिशनल SP वहाँ नाइट स्टे करे और 9 नाकों में जवानों के साथ ड्यूटी करे और इलेक्शन के टाइम में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शन है, आर्म्स एम्यूनिशन की है, ड्रग्स की है, इलिसिट लिकर की है, पैसे की है और POs जो उद्घोषित अपराधी हैं इधर से उधर ना जाए उसके बारे में है, हम उसको सुचारू रूप से इफेक्टिव तरीके से हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मैंने साथ ही साथ ये निर्देश दिए हैं कि बस्सी बटालियन की फोर्स लेके जो हमारा 38 किलोमीटर का बॉर्डर है इसको स्ट्रिप सर्च करें या कॉम्बिंग करें
और पंजाब पुलिस को भी आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपने एरिया में इसको स्ट्रिप सर्च करें और कॉम्बिंग करें, ताकि जो आपराधिक तत्व हैं या जो जोर जबरदस्ती करते हैं उनको पकड़ा जा सके। हमारा 90 किलोमीटर के करीब उत्तराखंड का बॉर्डर सिरमौर में है, वहाँ भी मैंने दौरा किया था और हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उत्तराखंड के साथ पड़ती है, 1 यूपी के साथ पड़ती है सिरमौर जिले में। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।